हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम किसी के पास अगर फ़ोन करते हैं तो क्यों हमारा जो फ़ोन है वो एंड हो जाता है। ठीक है, कॉल एंडिंग की अगर आपको समस्या आ रही है तो चलो इसका समाधान निकालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं मेरे दोस्त के पास अगर फ़ोन करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होता है। देखिए मैं यहाँ पे सिम वन से ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो भी कॉल की समस्या है वो कॉल एंड हो रहा है, ठीक है। कॉल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो कॉल एंड हो जाता है। तो ये अक्सर मतलब हम जब भी फ़ोन स्विच ऑफ करके खोलते हैं तब ये ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, इसके सॉल्यूशन 3-4 है जो भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो दोस्तों अलग अलग फ़ोन की अलग अलग समस्या होती है, ठीक है। तो इसमें मैं जो भी थोड़े बहुत नॉर्मली जो भी फंक्शन है वो छेड़ के दिखाऊंगा कि हमारा जो भी कॉल है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि हम पहले फ्लाइट मोड लगा के देखते हैं। आप सबसे पहले ये फ़्लाइट मोड टेस्ट करना कि मतलब एक बार जो भी आपके जितने भी डाटा चल रहा हो या जो भी हो या फ्लाइट मोड लगा के उसे बंद करना, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप कॉल लगा के देखना कि क्या मतलब कॉल लग रही है या नहीं लग रही है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्लाइट मोड लगा के अब मैं दोबारा से कॉल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे मेरे यार दोस्त है उसके पास कॉल कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कॉल अभी भी नहीं लग रहा है। दोस्तों ये फ्लाइट मोड मेरे फ़ोन में तो काम नहीं किया, लेकिन अगर क्या पता आप ट्राई करें तो पहले फ्लाइट मोड करके देख लेना, क्या पता आपकी कॉल लगनी स्टार्ट हो जाए। अगर फिर भी ना हो तो यार आप इसे फ़ोन को रीसेट करके देख लीजिए या पावर ऑफ करके या पावर ऑन करके देख लीजिए। अगर फिर भी अगर आपको फ़ोन नहीं लग रहा है तो यार जैसे आप ये लास्ट मतलब एक टेक्निक है जो आपको बताने वाला हूँ, आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है आपके फ़ोन की सेटिंग में, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे फ़ोन की जो सेटिंग है उसमें चला जाता हूँ और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में कंट्रोल दिखा रहा होगा तो वहाँ पे चले जाना है। दोस्तों ये मेरा सैमसंग का फ़ोन है तो यहाँ पे कंट्रोल दिखा रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है तो आप सर्च बार में जाके वहाँ पे सिम मैनेजर कार्ड ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सिम मैनेजर कार्ड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जहाँ पे सिम कार्ड मैनेजर ऐसे दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम जाके वहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यार यहाँ पे आने के बाद जैसे कि मेरे पहले सिम में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, वहाँ से कॉल नहीं लग रही, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सिम वन में यहाँ पे मैं चला जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिम वन में क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको ये ऑन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो हमें क्या करना है कि इसे एक बार ऑफ कर देना है, ठीक है, बाद में ऑन कर देंगे, हम पहले इसे एक बार ऑफ कर देते हैं। अब इसे ऑफ करने के बाद जो भी हमारी जो सिम है वो एक बार बंद हो जाती है, मतलब जितना भी इसका कंट्रोल है ना कोई फ़ोन आएगा ना जाएगा, ठीक है, तो पूरा एक बार बंद हो जाता है, ठीक है। आप एक दो सेकंड इसे वेट करने के बाद इसे वापस ऑन कर दीजिए, ठीक है। वापस ऑन करने के बाद दोस्तों अब मैं पूरा बैक आ जाता हूँ, ठीक है। अब बैक आने के बाद मैं फिर से मेरे दोस्त को कॉल करने की कोशिश करता हूँ, अब कॉल लग रही है नहीं लग रही है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे दोस्त को कॉल कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब कॉल जा रही है, ठीक है। अब कोई भी कॉल एंडिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, अब आराम से कॉल जा रही है उसके पास। दोस्तों अभी मेरा दोस्त जो है वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी तक जो भी कॉल है वो एंड नहीं हो रही है। आपको ये फेक नहीं लगेगी क्योंकि ऊपर आप टाइम भी देख सकते हैं कि 4:10 हो गए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी कॉल जा रही है। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा वेट करने के बाद मेरे दोस्त ने यहाँ पे फ़ोन उठा लिया है। और दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि कोई भी कॉल एंडिंग की ऐसी कोई समस्या हमें नहीं दिखाई दे रही है। और दोस्तों मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी अगर अदर क्वेश्चन पूछना हो या कॉल एंडिंग से कोई भी मतलब या कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और इसे शेयर भी कर देना यार। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।